अज साडा देश भारत जदों एक बहुत वड्डे संकट विचों दी गुजर रहा है। कोविड 19 दे केसेस हज़ारां नहीं लखां दी गिनती विच आ रहे ने, हज़ारां दी गिनती विच लोग हर रोज़ मर रहे ने, मैडिकल ऑक्सीजन दी बहुत वड्डी कमी दा सामना करना पै रहा है, लोग ऑक्सीजन दे सिलेंडरस लई इधर उधर दौड़ भज कर रहे ने। अजिहे विच साडा एक स्टार, पंजाब दा एक पुत्र, भारत दा एक पुत्र जिस दे उत्ते सानू माण है, ओ अज तो नहीं, पिछले एक साल तो नहीं बल्कि कई सालों तो समाज सेवा दे विच एक वड्डा थंभ बन के साडे सामने आया है। जदों लॉकडाउन लग्या, मजदूर अपने घरां नूं भज्जन लगे, उस वेले इन्हां ने उन्हां सारिआं मजदूरां दी बांह फड़ के उन्हां नूं घरों घरी पहुँचाउण दा ठेका लिया, जिम्मा लिया। परमात्मा ने इन्हां दे नाम सेवा लिखी है। मेरी मुराद सोनू सूद जी तो है, साडे नाल सोनू सूद अज शामिल हो रहे ने। रेड एफ एम दी मैनेजमेंट वालों, अपने स्टाफ साथियों वालों, मैं अपने वालों सूद साहब थानू जी आया आखदा, थोड़ा स्वागत करदा। मैं अपने आप नू बड़ा माण महसूस करदा कि तुसी साडे नाल शामिल होए हो। सूद साहब थोड़ा बहुत स्वागत, जी आया नू वेलकम। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और इन्ने मेरे भरावां नाल मिलाण लई और जिन्ने कैनेडा च सानू सुन रहे ने, देख रहे ने, उन्हां नाल वापस जुड़ाण लई तुहानू बहुत बहुत धन्नवाद भाई जी, बहुत शुक्रिया। सूद साहब, मैं गल थोड़े तो इत्थों करांगा कि एक चैरिटी, एक फाउंडेशन तुसीं बनाई है, सूद चैरिटी फाउंडेशन नाम का एक संगठन बनया है, ये बारे में असी गल करनी चाहेंगे। पर थोड़े नाल थोड़े कुछ साथी इस चैरिटी के नाल जिहड़े वलंटीयर्स लगातार काम कर रहे हैं, असी उन्हां दे नाल भी गलबात करनी चाहेंगे। सोनू जी, मैं थोड़े तो गल शुरू करांगा कि तुसीं लास्ट ईयर माइग्रेंट्स जिहड़े साडे वर्कर्स सन, जिहड़े लेबर क्लास के लोग सन, वो बहुत परेशान होए, बड़े हार्ड टाइम चो लंघे, सो ये सारी मोटिवेशन तुसीं कित्थों हासिल की थी? भाई मैनूं लगदा कि जदों मैं देखिया सारे नूं सड़कां ते जांदे, यू नो, बिना कुछ ना कोई ना ठहरन की थां सी, ना खाण पीन दा सी, छोटे छोटे बच्चों नूं लैके कई सौ कई हज़ार किलोमीटर उन्होंने चलन का जो बनाया और असी देखिया भी चलते हुए, तो मैंने लग्या कि मैं इन्होंने वापस चलन नहीं देना, किसी तरीके ने इन्होंने घर पहुँचाना है। और मैं लग गया पिछे, और जो मैंने याद है कि मैं पहली बार 350 लोग भेजे सी कर्नाटका दे विच, उदू बाद मैंने लग्या कि यह जो कहानी है 350 लोगों की नहीं, ये उन्होंने हज़ारा लखा लोगों की है जेडे देश भर के दुनिया भर के कोने फसे है। फिर उतों वो दौर शुरू होया, फिर सब लोगों घर भेजना शुरू किया जी। तो इस क्राइसिस जिन्हें भी आए ने पिछले एक साल तो इंडिया क्राइसिस विच है, लोग उतों के संकट विच ने, ऑक्सीजन चाहिए आ, मेडिसिन चाहिए ने, इंजैक्शन चाहिए ने, बहुत सारिया होर सर्विसिज ने जिन्हें उन्होंने बहुत लोड़ है। सो तुसी हाउ डू यू गैट इन टच विद दैम के जिन्हों इस वे लोड़ होंगी है, तुसी किवें उन्होंने संपर्क चाहते हो? भाई वो लोग मेरे टच में आते क्योंकि मैं ऑलरेडी सबनों पता है, मैं जुड़िया करीबन लखा लोगों ने जुड़िया, लास्ट टाइम उन्होंने जॉब्स दवाए, उन्होंने एजुकेशन का उन्होंने ध्यान रख्या, उन्होंने जो मेडिकल हेल्थ केयर की प्रॉब्लम आई वो मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा है उन्होंने। तो जो जुड़े लखा लोगों जुड़े और जो उन्होंने तकलीफ आई वापस मेरे ना वापस जुड़े, तो साडा नैटवर्क उन्ना बन गया, हर देश के हर कोने छोटे छोटे जिले में भी साडे बंदे सी। और जो ये महामारी की सैकेंड वेव आई और लोगों लोड़ पई वापस काम की, तो फिर वापस वो लोग आए, और जिन्हों मैनू लोड़ सी कितने भी किसी जिले मैं भेजना पैंता है, भजाना पैंता है, दवाइया भेजनिया पैदा सी, ऑक्सीजन भेजनी पैंती सी, यही लोग जिन्होंने मैं भेजा सी, यही मेरी टीम बन गए, इन्होंने अगे बढ़ चढ़ के होर मदद की। तो जिहड़े लोगों ने मैं यू नो हॉस्पिटल दिलाता रहा, ऑक्सीजन दिलाता रहा, दवाइया दिलाता रहा, जो ठीक होए और वापस मेरी टीम का हिस्सा बन गए कि यार तुम सू बचाया, असं वापस जुड़ा, और जिन्होंने नहीं बचा पाया मैं वो परिवार भी साढ़े जुड़े, वो कहें यार असी तुम बड़ी कोशिश करके साढ़े परिवार को बचाने की कोशिश की, साढ़े परिवार का सदस्य नहीं बच पाया, लेकिन असी तुहाडे नाल जुड़ के असी होर जाना जरूर बचाने हैं, तो इसलिए टीम वधदी गई, वो नेटवर्क उन्ना ही स्ट्रॉन्ग हुंदा गया। सोनू जी, असी कई बार सोशल मीडिया ते देखदे आ, थानू बहुता ट्विटर ते थानू देखिया जांदा, ते बहुत छेती छेती टाइम, बहुत छेती थोड़े वालों मैसेज चले जांदा डन हो गया, ते एक इन्ना इन्ना फास्ट किवें चलदा नेटवर्क? भाई क्या है कि समय बहुत समय कहते ना सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम जदों
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਢਾਈ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, 60-70 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੁਣ 2:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੋਸ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, 1-1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਗੋਗਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਅਕਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੁੜੋ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਸੂਦ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹੇ ਸੂਦ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ, ਅਸਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਟਾਫਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਰੀਏ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨੂਨ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ, ਸਭ ਜਾਣੇ ਭੱਜੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 12-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੁਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੋਏ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੁਗਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ 9:40 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨੀਚੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ? ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਗੇ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
जो बचपन तो लैके पढ़े, उस बाद बॉबी डॉक्टर बने महाराष्ट्र वर्धा इन्होंने की थी, मैं भी मैं इंजीनियरिंग की थी। सुनील फिलिप मैं नागपुर तो जानता है, नागपुर असं कट्ठे बाइक से भावें समोसे खाने हो भावें चाह पीना होने सारा सफर किया। जो तो मैं स्ट्रगल कर बॉम्बे पहली दफा आया उदो मैं सुनील के घर आके रुकया सीगा, कोई मेरे को रहने की जगह नहीं सी, तो उदो मैं स्ट्रगल की थी। मेरी वो दोस्ती है गुगा भाजी हरजीत भाभी, उन्होंने भाजी उन्होंने उदो तो जानते जो मैं बॉम्बे पहली दफा उतरिया, स्ट्रगल करते होंगे पता नहीं सी पेइंग गेस्ट रहा हूँ उ भाजी आते होंगे जी गल करते कि जिंदगी चार कदों करना मौके आए हैं। थोड़ी कमाई ये नहीं कि तुम नाम किन्ना कमाया, थोड़ी ये कमाई है कि जिन्होंने तुम जुड़े हुए शुरू अज भी उन्होंने जुड़े हो कि नहीं, आई थिंक मेरी कमाई हो है सर। हरजीत जी सोनू भाजी ने थोड़ा जिक्र किया, तुसी भी अपनी याद कोई पुरानी गल सांझी करो जी। सोनू एक्चुअली ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਔਰ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੋਨੂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਗੋਗਾ ਕਹਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਹੀ ਦਾ ਆਇਰਨ ਮੈਨ, ਆਈ ਯੂਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹਿਮ ਆਇਰਨ ਮੈਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਓਨਾ ਹੀ ਮੋਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲੈਂਥ੍ਰੋਪਿਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ। ਬਟ ਆਨੈਸਟਲੀ ਸੋਨੂ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੀਡਡ ਆਲ ਦਾ ਲਿਮਿਟ, ਯੂ ਨੋ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦਾ ਰੂਫ ਨਾਓ। He has done for the society greater than any human in the film industry has ever done. This is my personal feeling that Sonu ne jo kita hai na, oda koi mukabla nahi hai ga is vele Hindustan de kisi star da. Dutt Saab and Sonu Sood, these are the two names I keep in my mind forever and ever. Dr. Bobby, tusi bhi apne bachpan di koi gal dasso, Sonu bare koi koi loop, koi inna di kamzori dasso sanu. ਸਰ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਹਿਮ। ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਪੌਂਜੀ ਰਸਗੁੱਲੇ। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਪੌਂਜੀ ਰਸਗੁੱਲੇ ਸਰ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਟੈਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਰ। ਸੁਨੀਲ, ਜਦ ਮੈਨੇ ਫਸਟ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਘੜੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਬਤਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਿ बेसिकली हम लोग कहाँ जॉब पे जाते थे और सोनू पिक्चर 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 करते रहता था, और स्ट्रगलिंग डेज में थिएटर्स में जाते थे, खड़े हो जाते थे। एक शूटिंग वूटिंग में गए तो ना किसी ने देखा सोनू को, ना किसी ने पहचाना, तो बाहर निकल के बोला सुनील यहाँ पे ना मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो मैं उसके फेस को देखा, बोला ये सिटी बिलियन डॉलर के लोगों की सिटी में तो अकेला क्या करेगा। मतलब अंदर से एक तो अंदर से गुस्सा भी आया मेरे को कि क्या कितना जुनून है। तो आपने एनकरेज नहीं किया फिर? हाँ, फिर उसके बाद हाँ, मतलब वो उसने कर दिखाया, मतलब कि बिलियन लोगों के बीच में एक नाम बनाया, और ऊपर से सच्ची बताऊं तो अकेला किया जी। लाइक अभी तो जुड़े हुए लोग मंदन दर्शन के अभी आ गए, काफी लोग आ गए, फ्रेंकली स्पीकिंग अकेला किया उसने। लाइक अकेला करना उस एक बॉडी को, एक हार्ट को इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, इतने सारे गम खुशियां सब अंदर ही रखता था, बताता किसी को नहीं था। बट बिलियन डॉलर, बिलियन लोगों के बीच में एक नाम निकल के आया, मेरे को 15 साल पहले 20 साल पहले भी याद है कि कुछ बड़ा करेगा करके, मालूम नहीं था इतना बड़ा करेगा लाइफ में। ओ, घड़ी वाली बात बताइएगा। घड़ी वाली बात कि बड़ा इमोशनल होता है घड़ी, इसके लिए लाइफ का सबसे बड़ा ये है। तो पहला शूटिंग किया मद्रास गया, पहले पहली मूवी की शूटिंग थी, तो स्टेशन में मैं वीटी नहीं, दादर स्टेशन में छोड़ने के लिए गया था। वापस आया तो मम्मी डैडी के लिए राडो की दो घड़ी लिया। तो मैं बोला यार ये तो मेरे साल भर की सारे इनकम भी नहीं है करके। तो वो मतलब लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था जब उसने मम्मी डैडी के लिए जेंट्स और एक लेडीज वॉच लिया राडो की जी। पहली साल से तो वो मतलब उसके बाद मेरी पिक्चर की सैलरी पूरी हुई थी। मैं मतलब कोई ऐसी ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ मिले 20-25 हज़ार माँ बाप में मिले थे, और उसकी सबसे पहले घड़ी खरीदी थी। मैं कह यार ये पापा आज भी है मेरे पास घड़ी जरूर। तो आई थिंक वो दैट वाज स्पेशल। माँ बाप का आशीर्वाद, उसके माँ बाप का आशीर्वाद, बस वही उसी के कारण ये इतना बड़ा आगे हुआ जी। सोनू जी, अब क्या फ्यूचर के जो आगे के जो प्लान्स हैं, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जी आपके लिए? सर देखिए, फिल्में तो कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, बहुत सालों से कर रहे हैं। अभी भी है पृथ्वीराज आ रही है,
यशराज के साथ फिल्म है, साउथ की फिल्म और भी फिल्में मैं कर रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो जुनून है ना वो सर हेल्थ केयर सिस्टम ठीक करने का है। मैंने हेल्थ केयर में हमेशा बोलते हैं, मैं भी अपने शहर में बोलता था यार कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं है। मेरी बड़ी प्लानिंग्स है कि मैं बहुत तगड़ा कुछ इस लेवल का हॉस्पिटल या कुछ इस लेवल का हेल्थ केयर बनाऊँ कि ताकि लोग याद रखें कि यार ये क्या देखे गया। ऑक्सीजन प्लांट्स मुझे लगाने में, जितने भी अपने भाई लोग अभी सुन रहे हैं उनको जो कुछ करना चाहते हैं आप, हम चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएं, आप खुद लगाइए, अगर आप नहीं लगा सकते आप हमें बताइए, हम आपके लिए थानू कोऑर्डिनेट करके दसांगे कि कितने तुझे किमें ला सकते हो, असी थानू गाइड कर देंगे। बट मेक इट हैपन, ज्यादा तो ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करो, हेल्थ केयर ली बच्चे अडोप्ट करने की कोशिश करो ताकि उत्थे रह के तुम फीसा भर सको अपने किसी जाने दी किन्ना भी भरनी हो मैं थानू गाइड कर सकता हूँ डायरेक्टली अपने अपने लेवल से मदद पहुंचा सकते हैं। तो मकसद यही है सर कि हम सूद चैरिटी फाउंडेशन जो अभी पहला कदम चक्या है जिसे अभी इन्ने सब लोग जुड़े हैं, असं पूरे देश ने असं पूरी दुनिया को साथ जोड़ना, असं उन्होंने ये कहना है कि दुनिया च हर बंदा जरा मैं नहीं भी जानता है, मैंने कभी नहीं मिला उठ के कहे यार जी फाउंडेशन है ना सूद चैरिटी फाउंडेशन वो मेरी फाउंडेशन है, मैंने दसो मैं की करा। असी लोगों को कुछ नहीं कहते कि सू आ करो, असं कहने काम दसो सू अं की करिए असं काम करा। So I think I want that feeling for everyone. कि ऐसा feel करें। And Sonu ji, finally your message for our listeners and viewers. I just want to tell everyone thank you so much. This time देता है ना, but ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल कड़ी है थोड़े हिंदुस्तानी वासियां ली, सब जाने तकलीफ ने बढ़िया यंग लाइफ से जी खोतियाँ, वो कभी जिंदगी चसी उदी भरपाई नहीं कर सकते, पर जिड़ा ये एग्जाम टाइम मैं हमेशा कहना ये परीक्षा की कड़ी है, उन्होंने फैमिलीज भी तो है ही है जिन्होंने खोए, पर थोड़े सारे लिए है जिड़े उस समय वो प्रिविलेज माहौल च बैठे हैं जितने थोड़ा कोई स्ट्रैस नहीं है, तो पता है कि सब अच्छा है, सिर्फ तीन खबर सुने पर रियलिटी बहुत खराब है इतने, तुम जो भी थोड़े तो हो सकता अगे आओ, प्लीज अगे आओ और मदद करो किसी ना किसी तरीके। वो कहते हैं जो तीन पहला कदम चकूंगे लोगों की मदद करा तो रास्ता अपने आप दिख जूगा कि करा मैं किदा करा, अपने आप लोग जुड़ते आएंगे जिन्होंने जरूरत है वो जुड़ते जाएंगे और जेडे थोड़ी जरूरत पूरी करवा सकते लोगों को वह जुड़ते आएंगे। प्लीज तुम अगे आओ और आप मिलकर सारे ने मिलकर कट्ठे करिए, कैनेडा दे विच सुनील फिलिप ने, बॉबी डॉक्टर बॉबी ने, हरजीत गोगा भाजी ने, उन्हों की सारिया डिटेल स्टूडियो तो भी मिल जाएंगी, असी पाई भी हुई सूद चैरिटी फाउंडेशन तुम गूगल करोगे तो पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, उत्तर किस तरह तुम सा जुड़ना चाहते हो, किस तरह तुम इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो, वी आर जस्ट ए फोन कॉल अवे। और चलो आप मिलजुल के जोड़ा कहते हैं लोग ये ना कभी कह कि साढ़े भरा बड़े दूर बैठे से सात समुंदर पार, लेकिन जो सू लोड़ से आए नहीं। You can reach out to Dr. Bobby and me. You can reach out to me on 647-909-7777. Dr. Saab, tussi bhi dass diyo number ji. My number ji 236. Ji. 332-7575. Ji sir. बहुत शुक्रिया सर, थोड़े नंबर मेरे को आ गए, असी अपने जनता लिए दस भी देंगे, एक बार फिर थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जी। इसका मजा कुछ और है। रेड एफएम, रेड एफएम।